बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर, जॉब सिक्योरिटी यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ये इसका पार्ट वन है, इसका मुकम्मल सीरीज चलाएंगे। इसमें वो जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ शेयर करेंगे जो मोस्ट रिपीटेड हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो और आप सबको इससे फ़ायदा मिले। तो वीडियो को गौर से देखिएगा, लाइक और शेयर भी करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर वन है कि विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान ऑफ अफगानिस्तान इज़ द येस्ट ओपियम प्रोड्यूसर। तो यह सबसे ज़्यादा कौन से अफगानिस्तान के कौन से सूबे में पैदा होता है? तो हिलमंड, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द यूरो करेंसी इज़ यूज्ड बाय डेश कंट्रीज़। यूरो करेंसी है ये 20 ममालिक में इस्तेमाल होती है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन कोऑपरेशन। तो फ्रेंड्स, ओआईसी का ये कभी अब्रीवेशन पूछते हैं कि ओआईसी का अब्रीवेशन क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है और हैज डेश ऑफिशियल लैंग्वेज। इसकी कितनी लैंग्वेज हैं? तीन हैं, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर है कि हेड क्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस इज इन। रेड क्रॉस का हेड क्वार्टर जो है कहाँ पर है? जनेवा में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि द मोटो ऑफ यूएनओ, यूएनओ का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मोटो क्या है? तो इट्स योर वर्ल्ड, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर छः है कि द यूरोपीय यूनियन ईयू, कभी इसका पूछते हैं कि ईयू किसका अब्रीवेशन है? तो ये यूरोपीय यूनियन इसको कहते हैं। वर्किंग कैपिटल इज इन, तो ये कहाँ पर काम करते हैं? ब्रसल में, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन है कि द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज, इंडोनेशिया की करेंसी का नाम क्या है? रुपया है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आठ है कि नेम द ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन हु रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। उस एक सेक्रेटरी जनरल का नाम बताएं जिन्होंने अपने पोस्ट से रिज़ाइन दिया था, सेक्रेटरी जनरल वाले पोस्ट से। तो ये है ट्रेगियो ली, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन है कि देयर आर डैश नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल मेंबर 15 होते हैं और इसमें नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं ये 10 होते हैं, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। परमानेंट मेंबर जो इसमें होते हैं वो 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे वेटो कहते हैं, ये भी पूछते हैं कि वेटो स्टैंड फॉर यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश इन, तो ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1995 में, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड थी कथा पार्ट वन। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।